much to say beyond a big thank you to Gauri Balki. You heard him. See all the good things. भरे मंच पर अपनी पत्नी श्रीदेवी को याद करके बोनी कपूर फूट फूट कर रोने लगे। माइक पर बोलते हुए उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। बोनी कपूर को पहली बार किसी ने इस तरह से रोता हुआ देख तो सबकी आंखें भर आईं। दरअसल श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म इंग्लिश विंग्लिश को 10 साल पूरे होने पर एक इवेंट रखा गया था। इस मौके पर मुंबई में स्क्रीनिंग की गई थी जहाँ फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट भी पहुंची थी। इस मौके पर बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर भी पहुंची थी। इंग्लिश विंग्लिश वही फिल्म थी जिसके जरिए श्रीदेवी ने 15 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की थी। फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से पहले उनकी आखिरी फिल्म जुदाई थी जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। इतने लंबे गैप के बाद जब श्रीदेवी बड़े पर्दे पर आईं तो लोग उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में टूट पड़े। फिर 10 करोड़ में बनी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ने 102 करोड़ रुपये की कमाई की थी। श्रीदेवी अपने दौर में हीरो से बड़ी स्टार कास्ट मानी जाती थी क्योंकि वो उस दौर में हीरो से ज़्यादा फीस चार्ज करती थी। उनकी दीवानगी का आलम कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन साल 2018 में श्रीदेवी का निधन हो गया और बोनी कपूर अकेले पड़ गए। बोनी कपूर ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मोना थी जिनका भी निधन हो चुका है। 2 शादियां करने के बाद भी बोनी कपूर अकेले रह गए। बोनी कपूर श्रीदेवी से बहुत प्यार करते थे और जब मंच पर उन्हें श्रीदेवी के बारे में बोलने के लिए कहा गया तो वो बुरी तरह से रो पड़े। I don't have much to say beyond a big thank you to Gauri Balki. You heard him. See all the good things. But the best thing was this film which happened to her and to all of us. And I'm sure her fans who've always loved her, given her love. I wish she was here. Thank you, Gauri. Thank you, Balki. Thank you, Boni. Thank you. No, Kushil, talk later. Thank you so much, Balki. Thank you, Boni, sir. There's one person I think we need to call on.